हमको वोट दे दीजिए। अभी विपक्ष के प्रत्याशी के पार्टी के बड़े नेता मधुबन में आकर के कहें कि 1 तारीख बीतने दीजिए, उसके बाद हिसाब किताब पूरा करेंगे, धमकी दे रहे हैं। अभी आजमगढ़ में गए माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उनको ही धक्का देके भगा दिया पीछे। मतलब ऐसा धक्का दिया कि उनको धक्का देना पड़ा कि यार हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य है ना, ये दुर्भाग्य है। और मैं तो ऐसा उदाहरण के तौर पे जरूर कहना चाहूँगा कि जिस दिए को बुझना होता है ना तो भभकता ज़्यादा है, और वो भभकता है तो फिर बुझ भी जाता है। अब नौबत ऐसी आ गई है कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने ही नेता को पहचानने से लोग इनकार कर दे रहे हैं, अपने ही नेता का सम्मान भूल गए हैं, अपने ही नेता का कद्र करना भूल गए हैं। बड़े बड़े मंचों से जिस प्रकार से धकियाया जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता उनके उनके जो मतदाता हैं, उनके जो लोग हैं, ऐसी नौबत आ जा रही है कि अखिलेश यादव जी को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है कि लाठी चार्ज कर दो। तो ये कहीं ना कहीं जो मेरे पिता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोलते थे ना कि कुछ लोग सट करके सरकार बनाएंगे तो कुछ लोग हट करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो अखिलेश यादव जी उसी रोल में आ गए। तो क्या आप शिवपाल जी पर तो नहीं कर रहे हैं कि एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इतना भारी मतों से भाजपा को वोट दे करके जीताओ की सरकार बन जाए? हमें क्या कहा कि ये ऐसा सवार हुआ है, इतनी गर्मी चढ़ गई है, मैं कहा ना सब अपना आपा भी खो दिए। अभी तो वही छोड़िए, अभी अखिलेश यादव जी भी आने समय में ये बात कहेंगे कि सब लोग भाजपा को वोट करके सरकार बनाइए भारतीय जनता पार्टी। हमारा मानना ये है कि जनता के मुद्दे को जब जब कोई भटकाएगा तो जनता का आशीर्वाद है कि वो व्यक्ति खुद भटक जाएगा। एक बात आ रही है, वो तो अखिलेश यादव जी तो हमेशा कहते हैं कि शिवपाल यादव जी भाजपा के बीपी हैं, इसमें हमें कहने की आवश्यकता खुद नहीं कहते हैं सिर्फ अखिलेश यादव जी। मायावती जी ने बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया है और बालकृष्ण चौहान दलितों का मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन ककरिहार में वहाँ की जनता खोज रही है कि अगर आए तो उनका हम स्वागत जूता चप्पल की माला से करेंगे। मुझे तो हंसी आती है कि शायद हो सकता है बहन जी तक वो सूचना जा नहीं पाई कि बहन जी के लिए जो एक किताब उन्होंने लिखा था उसमें कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने, भारतीय संविधान का जिस प्रकार से उन्होंने आकलन करते हुए उस किताब को भी उन्होंने संविधान को भी जिस हिसाब से उन्होंने रखने का काम किया था अपने किताब में, वो पूरा दलित समाज जानता है, और जिस प्रकार से पूरे दलितों का इन्होंने अपमान किया था इसको भी समझता है। तो दलित समाज स्वाभाविक तौर पर है उनका अभिनंदन करने के लिए खड़ी है अपने गांव के गेट पर, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। बालकृष्ण चौहान सांसद बने और कटिहार में रविदास जी की मूर्ति का स्थापना भी किए, और 10 दिन के बाद उस मूर्ति को कोतवाली में बंद करा करके सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों को मुकदमा करके फिर उस बस्ती में वोट मांगने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन जनता उसका विरोध कर रही है। जनता क्या देखिए, कहीं ना कहीं अगर विवादित कुछ न कुछ रहा होगा, और लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, किसी महापुरुष के सम्मान के साथ विवाह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान इसकी गवाही नहीं देता है, ना ही हमारा कानून। कहीं ना कहीं उसमें जो भी विसंगतियाँ रही हों, जो भी समस्याएँ रही हैं, इसको देखना चाहिए था। और क्योंकि सिर्फ मूर्ति का सवाल नहीं था, सवाल था दलितों के आत्मसम्मान का, उनके सम्मान पर चोट लगी थी, और जिसके सम्मान पर जब आँच आएगी तो स्वाभाविक तौर पर है कि वो क्रिया की प्रतिक्रिया देने का काम करेगा। तो क्या स्थिति होगी विपक्ष की? दलित समाज के लोग खुल करके भारतीय जनता पार्टी NDA परिवार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मतदान करने के मूड बना लिए हैं। आप देखिएगा 1 तारीख को अगर दलितों का मान सम्मान स्वाभिमान हक हिस्सा अधिकार अगर सुरक्षित है तो NDA परिवार में ही सुरक्षित है। ये समाजवादी पार्टी के लोग विपक्ष के लोग